नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जीतू सौरव और आप लोग देख रहे हो तिरछी बात प्रज। तो स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। आज हम आप लोगों के लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आए हैं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये टॉपिक निकल कर आ रहा है महाभारत ग्रंथ से। महाभारत का एक पात्र होता है कर्ण। तो कर्ण के कई नाम होते हैं, कुंती पुत्र कर्ण, सूत पुत्र कर्ण, अंगराज कर्ण, दानवीर कर्ण और ऐसे कई तरह के नामों से उनको बुलाया जाता है महाभारत के अंदर। तो दोस्तों क्या होता है, जो कर्ण होते हैं उनकी जिंदगी पूरी के पूरी संघर्ष में ही निकल जाती है। अब बात आती है कि कर्ण को दानवीर क्यों कहा जाता है। कर्ण को दानवीर इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा दान करते हैं और दान उनके द्वार से कोई भी व्यक्ति खाली हाथ नहीं जाता, वो दान अवश्य देते हैं, दिन में एक बार दान जरूर देते हैं। तो इसी धारणा के पीछे उनको दानवीर कर्ण कहा जाता है। तो दोस्तों क्या होता है, एक बार सभी लोग बैठे होते हैं तो उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी कर्ण को दानवीर कहकर बुलाते हैं। तो उनके साइड में अर्जुन बैठा होता है। अर्जुन कहता है, अरे केशव आप क्या कर रहे हो, इसको दानवीर कहने की क्या जरूरत है, इससे ज़्यादा तो दान मैं ही कर देता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण जी समझ जाते हैं कि इनकी जो भावना है उनमें थोड़ी बहुत ईर्ष्या है, इसी वजह से इन्होंने ये बात कही है। तो दोस्तों उसके बाद क्या होता है, उसके बाद कुछ दिनों बाद बरसात का मौसम आता है और बरसात के मौसम में लगातार 5 दिनों तक बारिश होती है। तो दोस्तों उसके बाद एक गरीब ब्राह्मण आता है अर्जुन के पास और उनसे कहता है कि मेरे पिता के मृत्यु हो गई है और मृत्यु के कारण उनका अंतिम संस्कार मुझे करना है और अंतिम संस्कार करने के लिए मुझे चंदन की सूखी लकड़ियां चाहिए, क्या आप मुझे दान में दे सकते हो। तो उसके बाद अर्जुन देखता है और सोचता है कि लगभग 5 दिनों से बारिश हो रही है तो ऐसी बारिश के मौसम में चंदन की सूखी लकड़ियां मिलना असंभव है। तो वो उनसे हाथ जोड़कर क्षमा मांगता है और कहता है कि ब्राह्मण देवता मैं आपकी इस विषय में कोई हेल्प नहीं कर सकता, कोई सहायता नहीं कर सकता। तो दोस्तों उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी उन जो ब्राह्मण देवता होते हैं उनको बताते हैं कि आप कर्ण के पास जाइए, वो बहुत बड़े दानवीर हैं, वो आपकी सहायता जरूर करेंगे। तो दोस्तों इसी कारण से वो ब्राह्मण जाते हैं कर्ण के पास और उनसे बोलते हैं जाकर कि हे कर्ण मुझे अपने पिताजी के अंतिम संस्कार के लिए सूखी लकड़ियां चाहिए, क्या आप मुझे दान कर सकते हो। तो ये सब सुनते ही कर्ण एकदम से अपने सैनिकों को आदेश देते हैं और बोलते हैं कि हमारे महल में चंदन की लकड़ियों के खम्भे लगे हुए हैं, उनको तोड़कर इन ब्राह्मण देवता को दीजिए और इनके जो पिताजी का अंतिम संस्कार है उनकी व्यवस्था कीजिए। दोस्तों इसके बाद क्या होता है, इसके बाद अर्जुन सोचता है इस समय में बरसात के समय में सूखी चंदन की लकड़ियाँ कहीं से कैसे मिल सकती हैं। तो इसी चीज़ को देखने के लिए वो आता है कर्ण के पास और कर्ण के पास देखता है कि कर्ण ने अपने महल के चंदन की लकड़ियों के जो खम्भे बने हुए थे सैनिकों के द्वारा उनको तोड़वाकर अपना दान पूरा किया था। तो वहीं पे श्री कृष्ण जी होते हैं और श्री कृष्ण जी देखते हैं और बताते हैं अर्जुन को कि आपने देख लिया किस वजह से मैं इनको दानवीर कर्ण कहता हूँ, क्योंकि इनसे ज़्यादा चंदन की लकड़ियों के खम्भे आपके महल में थे। दोस्तों दानवीर कर्ण के दानवीर होने के पीछे एक कहानी और जुड़ी हुई है दान। तो दोस्तों इसी दानवीरता के कारण एक दिन क्या होता है, कर्ण एक स्नान करने के लिए एक सरोवर पर जाते हैं तो वहीं पर इंद्र देवता आते हैं एक ब्राह्मण का भेष बनाकर और बोलते हैं कि मुझे आपके कवच और कुंडल चाहिए। परंतु जो कर्ण थे वो बहुत बड़े दानवीर थे, इसी कारण से वो अपने कवच और कुंडल उतार कर इंद्रदेव को दे देते हैं और कहते हैं कि ये लो मैंने अपना दान पूरा किया। तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो हमारे वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि हमारा इतिहास में इतने बड़े महारथी हैं और जिनकी बातें सुनने में एक अलग ही मज़ा आता है, जो आपने ले लिया उसको दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएँ। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी एक अनोखी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।